भाई दोस्तों अगर बात की जाए तो इस मुकाबले की, ये मुकाबला सबसे कड़ा मुकाबला होने वाला है इस टूर्नामेंट का। ये दे भाई इसमें जल्दी दोनों बेहतरीन टीम, इधर राजदीप टेखंड और इधर है डेरा फतेहपुर। फतेहपुर में आज प्रशांत को देखते हैं, बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त गेम देखने को मिलेगा। और इधर शांतनु है, निखिल है, बेहतरीन टीम है दोनों। थर्ड राउंड का मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, कौन मारेगा बाजी इस मुकाबले में। टॉस जीता है और इस मैच के बाद फतेहपुर ने, और ये मैच चल रहा है इसके बाद लखावती वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल लखावती वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप, ये तैयार है भैया। गेम स्टार्ट, लखावती वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप, दूसरा क्वार्टर फाइनल अंबाला ऑर्डिनेंस वर्सेस मकरौली, तीसरा क्वार्टर फाइनल जेडी अकेडमी वर्सेस भिवानी है। ये बेहतरीन खिलाड़ी प्रशांत को आप हर जगह देखते हैं और यहां भी देखते हुए बेहतरीन खिलाड़ी है, जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सभी टूर्नामेंटों की बात की जाए तो चाहे चिठड़ा की बात करें, फाइनल में लखावटी से मुकाबला हुआ था, वहां शिकस्त मिली थी। 5 नंबर खिलाड़ी तेखंड राजरिफ की तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी। एक काम करो, विकास भाई को मेरे पास भेज दो, जो इनको तैयार रखो। शांतनु क्या शांत रख पाएगा, और ये बहुत ही फतेहपुर अच्छी हवा, लेकिन संकेत कुछ गड़बड़, इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मैच हो। पलटी लगाता है, हर काम करता है, और रेफरी साहब का निर्णय आना बाकी। बिल्कुल मैं दिखाऊं, हाँ बिल्कुल आउट है, कैसे दिखा दो, हाँ हम दिखा दो, ये डू और डाई रेड है क्या, थर्ड रेड, डू और डाई रेड, डू और डाई। डिफेंस बेहतरीन काम कर रहा है और एडर भी काम करता हुआ। बाहर निकलने से पहले चलो, टीमें दोनों ही बेहतरीन हैं। बाजी कौन मारेगा ये देखने लायक मुकाबला है। एक या दो, तीन, बिल्कुल स्कोर बराबरी पर, एक एक करके बूंद बूंद से घड़ा भर रहे थे, लेकिन यहां एक पॉइंट एक रेड में बराबर कर दिया। टच पॉइंट लिया है और स्वीकार किया है बिल्कुल। शांतनु एक बार फिर, अभी तक शांत रखा है फतेहपुर ने शांतनु को। 27 नंबर खिलाड़ी, स्कोर 4-3 फेवर इन फतेहपुर। ये जो गलती करता है, ये गलती नहीं करता, ये गलतियां कराता है डिफेंस से। देखो ये गलती करा दी, मैंने बोला था बहुत बेहतरीन रन, 2 पॉइंट। प्रशांत एक बार फिर एक्शन में, प्रशांत जबरदस्त खिलाड़ी, बेहतरीन रेडर फतेहपुर की तरफ से। 7 नंबर खिलाड़ी, और बिल्कुल कॉर्नर को किया है बाहर, स्कोर बराबर, 5-5 स्कोर बराबर हो चला है। शांतनु एक बार फिर, अगर
ये मुकाबला जो तुलेगा, ये मुकाबला तुलेगा रेडर पर। फतेहपुर को शांत करना होगा, शांतनु को बिल्कुल नहीं शांत कर पाए हैं अभी तक। पहली रेड में जरूर शांत किया था और तेखंड राजरिप को शांत करना होगा, प्रशांत को। जो रेडर को शांत करेगा वही मुकाबला जीतेगा। यहाँ प्रशांत बेहतरीन रेडर है, इसमें कोई शक नहीं। सुपर टैकल ऑन शांत रूम, तीन के डिफेंस में बेहतरीन खिलाड़ी, जबरदस्त टेकन राजदीप की तरफ से। देखना होगा, रेफरी साहब की निगाहें लगी हुई हैं। भाई मुकाबला कोई जीते, लेकिन मुकाबला जैसा चल रहा है बेहतरीन, सभी की सांसें थमी हुई। फाइनल से कड़ा फाइनल, फाइनल से पहला फाइनल, क्या प्रशांत को शांत करा है, और बिल्कुल शांत करा है डिफेंस ने। सारा डिफेंस एकजुट काम करता हुआ, बार 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 रेडर बार, रेडर बार, रेडर बार, टाइम आउट। दो खिलाड़ी कोर्ट में बचे हुए हैं, गेम फिर स्टार्ट एक बार। सुपर टैकल ऑन, सभी को बैठो पीछे, खिलाड़ी सब बैठो नीचे, पीछे बैठो खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी तेखंड, ये डेरे फतेहपुर खिलाड़ी, क्यों नहीं बैठ रहे पीछे। क्या मिलेगा शांतनु को, शांत किया है सुपर टैकल, बेहतरीन। सात सात स्कोर बराबर, मुकाबला बेहतरीन। एडवांटेज ये है तेखंड के पास कि तीन खिलाड़ी कोर्ट में बचे हुए हैं फतेहपुर के, और प्रशांत बाहर है, बहुत समय के बाद आने हैं। चौथा नंबर है प्रशांत का, रेडर दोनों शांत किया है, डिफेंस ने बेहतरीन कमाल किया है अभी तक। स्कोर बराबर, प्रशांत भी बाहर और शांतनु भी बाहर। सुपर टैकल ऑन, एक सुपर टैकल मिला था जिससे स्कोर हुआ था बराबर, यहां गलती है, घूमे चकमा दिया और पॉइंट। बेहतरीन मुकाबला, माइक ध्यान आएगा, माइक मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या होगा स्कोर बराबर, बेहतरीन जबरदस्त, क्या ये शांतनु भाई जो बचाव किया है, जो अपने आप को नहीं, हलचल पूरी टीम में, शांतनु बहुत जल्दी रेड की है, क्या ऑल आउट मिलेगा। चेस नंबर 11, 8-7 स्कोर फेवर इन तेखंड राजदीप, क्या बात है भाई, ये रेफ मिलेगा क्या, लेकिन नहीं मिला है। 10 थर्ड रेड है, डू और डाई, और लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं, कम से कम बोनस का प्रयास करना होगा। बोनस तो दे दिया है, और टच पॉइंट भी ले लिया है भाई, दो पॉइंट टोटल, टू पॉइंट, टाइम आउट, टाइम आउट लिया है, दो खिलाड़ी कोर्ट में, फिर सुपर टैकल ऑन भाई, ऑल आउट मिला है, जो रेड थी वो निकल गई। प्रशांत एक बार फिर एक्शन में, बेहतरीन, एक और पॉइंट, पांच नंबर खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी,
आवाज लगा दो अगली टीम की आवाज। खड़े रहो ना लगता यार। प्रशांत एक बार फिर एक्शन में। स्कोर जा रहा है बराबरी की तरफ, गेम जा रहा है बिल्कुल बराबरी की तरफ। और आउट जरूर मिला था फतेहपुर को और बिल्कुल एक और पॉइंट। हाफ टाइम हो गया है तो स्कोर बोल भाई। बेहतरीन मुकाबला। कितना स्कोर नंबर भाई? 11-13 स्कोर है राजरिफ तेखंड के पाले में। कोच की सोच क्या रहेगी? गेम फिर स्टार्ट एक बार। स्कोर 13-11, 2 पॉइंट की लीड है तेखंड राजरिप के पास। सभी काम कर रही हैं दोनों टीमें, सभी हथकंडे अपना रही हैं, लेकिन कौन करेगा क्वार्टर फाइनल में यहां से सफलता। समय काटते हुए लीड 2 पॉइंट की है, लेकिन ये 2 पॉइंट की लीड बिल्कुल बादलों की तरह छट जाएगी। जैसे सामन में बादल चलते हैं कभी इधर कभी उधर, ये लीड ऐसी हो जाएगी। और 2 पॉइंट की लीड। प्रशांत लेफ्ट राइडर बेहतरीन खिलाड़ी, जबरदस्त गेम अभी तक। सपोर्ट आता तो कुछ मिलता, लेकिन बेहतरीन गेम दोनों ही रेडरों की तरफ से, चाहे बात करें शांतनु की और चाहे बात करें प्रशांत की। 27 नंबर खिलाड़ी शांतनु तेखंड राजरिप की तरफ से। बोनस की तरफ गए हैं, क्या मिलेगा? मिला है बोनस। अरे खेलो तुम लोग। प्रशांत फिर एक्शन में। दोनों तरफ से पॉइंट मिला था। टाइम आउट लेना बता बताता हूँ तेरे को। टाइम आउट लेना बताता हूँ तेरे को। फिर दो पॉइंट की लीड है अभी भी तेखंड राजरिप के पास। बेहतरीन मुकाबला, जबरदस्त गेम दोनों ही टीमों की तरफ से। इसके बाद जो मुकाबला होना है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होना है, बेहतरीन मुकाबला होना है लखावटी वर्सेस आर्मी के बीच। एक या दो, एक पॉइंट। स्कोर फिर बराबरी की तरफ जाता हुआ। कितना शांत प्रिय मुकाबला। टीम कोई किसी से कम नहीं, ना फतेहपुर कम है और ना ही तेखंड राजरिप कम है। क्या बचाव है ये सुपर टैकल ऑन। टाइम आउट लिया है। गेम एक बार फिर स्टार्ट। स्कोर है 13-14 फेवर इन तेखंड।
डू अट आई रेड, क्या स्कोर बराबर होगा? क्या डुबकी है, क्या कमाल की डुबकी है। इतना जानकार नहीं है विनीत भाई, इस पर ज्यादा टारगेट ना करें, आप खिलाड़ी हैं। और गेम एक बार फिर स्टार्ट, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल लखावटी वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप 13-15, ये तुरंत ग्राउंड पर रिपोर्ट करें। 2 पॉइंट की अभी भी लीड है लखावटी वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप। एक और पॉइंट, स्कोर 14-15, अब 1 पॉइंट की लीड बची है। वो जो डुबकी लगाई थी बेहतरीन डुबकी थी शांतनु ने, क्या फिर लगेगी डुबकी? या पकड़ा, स्कोर बराबर होगा। लेकिन भाई गेम बेहतरीन दिखाया दोनों ही खिलाड़ियों ने, और पूरी टीम एकजुट काम करती हुई। सुपर टैकल ऑन, एडवांटेज है फतेहपुर के पास ऑल आउट देने का। लास्ट 5 मिनट का समय शेष, और 1 पॉइंट और, स्कोर बराबर। एक और पॉइंट, लखावटी वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप, दोनों टीमें तुरंत ग्राउंड पर रिपोर्ट करें। सुपर टैकल ऑन, एक तरफ से प्रशांत, अंतिम चार मिनट का लखावटी वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप। क्या बेहतरीन टच पॉइंट है, ना ही शांतनु शांत हो रहे हैं और ना ही प्रशांत। वीडियो बना रहे हो ना, उसको पैर दिखाना, उसका कौन सा पैर उठा रहा है, वीडियो में दिखाना इसके। बिल्कुल साफ क्लियर दिखा दूंगा मैं, उठाना पैर बेहतरीन के, उनको भी पैर मार रहा हूँ। लखावटी वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप फर्स्ट क्वार्टर फाइनल, जबरदस्त मुकाबला। अब उधर हो गया, उधर हो गया, टच पॉइंट भी है। अरे भैया खड़ा, सुपर टैकल का मौका था लेकिन फिसलता हुआ। ये गेम लास्ट, खिलाड़ी शांतनु बचे हुए हैं, 3 मिनट का समय शेष और टच पॉइंट। 3 मिनट फर्स्ट क्वार्टर फाइनल, लखावटी वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप, दोनों टीमें ग्राउंड पे आ गए। टच पॉइंट लाना होगा शांतनु को, तो ग्राउंड के पास आ गया दोनों टीमें। बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, लेकिन सत्रह 21 स्कोर है फेवर इन फतेहपुर, 4 पॉइंट की लीड हो चली है फतेहपुर की। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल लखावटी वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप, समय काटते हुए प्रशांत, 25, 26, 27, 28, लास्ट 2 मिनट, अंतिम 2 मिनट। प्रशांत एक बार फिर 4 पॉइंट की लीड है। बिल्कुल टच पॉइंट है, कॉर्नर को बाहर किया है। 6 नंबर खिलाड़ी फतेहपुर की तरफ से, ग्राउंड बढ़ाकर भेज उसे खूब तो टक्कर है भाई, समय काटते हैं। पानी मंगो, 25, 26, 27, 28,
एक और पॉइंट, दो पॉइंट की लीड बची हुई है अभी, लास्ट वन मिनट, अंतिम एक मिनट, एक मिनट का समय से और डू अ डेड है भाई, मैच ताड़ा हो चला है, बिल्कुल काटे का मुकाबला, दो पॉइंट की लीड, डू अ डाई रेड, फतेहपुर की दो पॉइंट की लीड है अभी, डू अ डाई रेड है, ये करोर मरो की स्थिति है, अगर यहाँ पॉइंट नहीं मिलता है, 25, 26, 27 बेहतरीन डैश, नहीं है नहीं है नहीं है, लास्ट यहां से अगर पॉइंट मिलता है तो स्कोर बराबर हो जाएगा, बेहतरीन मुकाबला भाई, कड़ार बड़ा मुकाबला, फतेहपुर वर्सेस एक या दो देख ले मैच हो गया है यहाँ पार का ताम और स्कोर की तरफ चलते हैं और टाई हुआ है मुकाबला, बेहतरीन टाई ब्रेकर मुकाबला, जबरदस्त गेम, फतेहपुर वर्सेस अजीत भाई, फतेहपुर वर्सेस मैच बराबर हो गया और 5-5 रेड, देखा 5-5 रेड पर आ गया है मुकाबला, ये शांतनु तेखंड राज राजरिफ की तरफ से 5 रेडर, इस पर डलवाया चूना, अरे उस पहले भैया के लिए फतेहपुर के रेडर उज्जवल, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है भाई, बेहतरीन मुकाबला भाई, 5-5 पॉइंट का मतलब 5-5 रेड होंगी अब, पहली रेड दगड़ू की तरफ से भाई, तेखंड राजरिप की तरफ से दगड़ू पहली रेड, क्या बेहतरीन पकड़ा भाई, ये जबरदस्त प्रयास था निखिल का, कमाल बिट्टू, ये गलतियां हैं, अगर ये गलतियां करेंगे तो बिल्कुल मैच से बाहर हो जाएंगे, सेम सेम दूसरी रेड में, दो पॉइंट हो चले हैं, दो रेड में, एक एक रेड हुई है लेकिन दो पॉइंट हुए हैं फतेहपुर के, उधर से आकाश, आकाश का जो नी होल्ड था वो बेहतरीन जबरदस्त पकड़ती भाई, और लेकिन ऐसा ही पकड़, स्कोर हो गया है बिल्कुल बराबर, दो रेड दोनों तरफ से, दो दो रेड और दो दो, एक एक पकड़, एक एक रेड, निखिल निखिल अब मुकाबला फिर वहीं पर खड़ा है जहां पहले खड़ा था और बिल्कुल बराबरी पर, ये है एक और पकड़ है बेहतरीन, कुणाल इधर से, कुणाल तीन रेड हो चली है, टेकन राजरिप की तीसरी रेड, ये गलती है, बोनस प्लस वन, दो 5 स्कोर, अब 3-5 स्कोर, प्रशांत रेड 4-4 हो गई है, शांतनु लास्ट रेड इधर से, शांतनु और यहां ना
एक और पॉइंट फतेहपुर यहां क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करता हुआ। बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। धन्यवाद दोस्तों, मुकाबला हुआ था और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।